आईफोन 14 सीरीज लॉन्च हो चुकी है, आपको लेना चाहिए या फिर नहीं, चलो बताता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे चार मॉडल्स आए हैं, आईफोन 14, आईफोन 14 प्लस, आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स। और बात यह है कि जो आईफोन 14 के नॉन प्रो सीरीज है ना, उसका कोई फायदा नहीं मेरे हिसाब से तो लेने का, क्योंकि भाई एग्जैक्टली आईफोन 13 को ही कॉपी पेस्ट मारा हुआ है, क्योंकि भाई पुरानी A15 चिप है जो कि आईफोन 13 में आती है, डिजाइन भी एग्जैक्टली सेम है, कैमरा भी बस ऑलमोस्ट सेम ही है। और कहानी चेंज होती है यहाँ पे आईफोन 14 प्रो सीरीज की, क्योंकि यहाँ पे आपको ब्रांड न्यू A16 चिप मिलती है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, 48 मेगापिक्सल का कैमरा डाल दिया इन्होंने इस बार। साथ में इसकी बड़ी वाली नॉच हटा के यहाँ पे इस बार पिल शेप नॉच आ गई है, जिसके अंदर एक नया फीचर आया है जिसका नाम है डायनेमिक आइलैंड। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आ चुका है आईफोन 14 प्रो सीरीज में। ये आईफोन 14 के कलर्स हैं और ये है आईफोन प्रो सीरीज के कलर्स। बाकी अगर प्राइसिंग जाननी है तो ये प्राइसिंग भी है। अब आपको कौन सा लेना चाहिए, तो भाई मेरी मानो तो आईफोन 14 प्रो लेना अगर बजट है तो, अगर बजट नहीं है तो आईफोन 14 को स्किप करो और आईफोन 13 लो, क्योंकि वो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन है इस टाइम। तो शेयर कर दो जो नया आईफोन लेने के बारे में सोच रहा है, और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए टेकीला को सब्सक्राइब कर लो।